दोस्तों, अगर आप भी दोपहिया वाहन खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, यानी कि अपने घर में मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी वगैरह, विकी वगैरह या ऐसा कुछ भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बात कुछ यूं है कि सरकार ने दोपहिया वाहन खरीदारों के लिए खुशखबरी दी है और सरकार के इस फैसले से 28,000 रुपए तक सस्ते मिलेंगे अब आपको स्कूटर वगैरह। पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा कि बाइक कितनी सस्ती मिल रही है वगैरह वगैरह, और इस योजना का फायदा सरकार जो है किस किस तरह के वाहनों पर देने जा रही, किन लोगों को फायदा मिलेगा और कैसे आप इस योजना का फायदा ले पाएंगे, ताकि आप अपनी मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी खरीदने में 28,000 रुपए तक की छूट, सब्सिडी या सरकार की तरफ से सहायता राशि, मदद पा सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। दरअसल आपको पता होगा कि जब से पिछले 1.5-2 साल से कोरोना महामारी आई ना, तब से लोग बाग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना कम कर चुके हैं, यानी कि पब्लिक बसों में, रोडवेज में या पब्लिक व्हीकल जो है उसमें सफर करने के बजाय लोग बाग जो है अपने खुद का निजी वाहन रखना पसंद कर रहे हैं। मतलब खुद के घर में मोटरसाइकिल हो तो दो जने कहीं जा रहे तो उस पर बैठ के आराम से जा सके, है ना। अब ऐसे में बात कुछ यूं है कि हाल ही में मोदी सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और इसको लेकर सरकार ने फेम सेकंड जो नीति है ना उसमें संशोधन किया है। जी हाँ, फेम 2 स्कीम अमेंडमेंट को लेकर अपडेट है और उसके बाद से देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। जी हाँ, दरअसल अब यहाँ पर सरकार जो है सब्सिडी का लाभ लोगों को ज्यादा दे रही है। फेम 2 नीति में संशोधन के कारण इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर पहले के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। पहले दोस्तों इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपए प्रति KWH की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति KWH कर दिया और इसके चलते ई स्कूटर वगैरह के दाम काफी कम हो गए हैं, और यहाँ तक कि कंपनियां भी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स चला रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं उनसे धुआं वगैरह नहीं निकलता तो उनसे वायु प्रदूषण भी कम होता है, राइट। और आजकल तो आपको पता ही है पेट्रोल डीजल के भाव कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक्सपर्ट्स तो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि 125 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे इस साल को खत्म होने तक में पेट्रोल का रेट। तो इलेक्ट्रिक वाहन लाना ही ज्यादा समझदारी की बात हो सकती है। अब ऐसे में सरकार भी क्या कि इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं पर्यावरण के प्रति अच्छे होते हैं, प्रदूषण कम होता है उनसे, तो इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार आपको RTO इंश्योरेंस वगैरह पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट देती है। अब यहाँ पर कुछ कंपनियों की लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं कि किन कंपनियों ने कितने अपने टू व्हीलर पर दाम को घटा दिए। TVS ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube के ऊपर 11,250 की कटौती की है। वहीं ओकाइनवा ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर iPrace Plus की कीमतों में 7,200 से लेकर 17,900 रुपए तक की कटौती की है। रिवोल्ट मोटर्स भी अपना हाल ही में जो RV 400 इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किए थे उसकी कीमत में तकरीबन 28,200 रुपए की कटौती की है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर भी अच्छे सस्ते मिल रहे हैं आपको। अगर कार वगैरह भी आप खरीदते हैं तो इलेक्ट्रिक खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर के अच्छी तरह से आप रिव्यू कर लें कि पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं और इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं तो किन के प्रोज एंड कॉन्स ज्यादा रहेंगे, आपका डेली सफर कितना रहता है। मान लीजिए अगर आप कोई सेल्स वगैरह की जॉब करते हो, अलग अलग जगहों पर आपको सेल्स के लिए अलग अलग लोगों से मिलने जाना पड़ता है, तो दिन भर आपका घूमने का काम रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना ज्यादा बेहतर हो सकता है। वहीं अगर आपकी डेली रूटीन सफर बहुत कम है, न के बराबर, जैसे घर से ऑफिस, ऑफिस से वापस घर, तो ऐसी सिचुएशन में भले ही आप पेट्रोल डीजल की गाड़ी को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन रूटीन सफर अगर आपका डेली ज्यादा है ना तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफर करें। और भी आप अच्छी तरह से रिसर्च एनालिसिस कर लें। ओला कंपनी भी जुलाई तक अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने की प्लानिंग में है। तो ये कुछ दोपहिया वाहन को लेकर अपडेट था, न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी गाड़ी या बाइक पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिक या फिर पेट्रोल डीजल वाली, कमेंट करके बताइए आपकी चॉइस कौन सी है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।